शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 18। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 18। जब वह शाऊल से बातें कर चुका तब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातान उसे अपने प्राण के बराबर प्यार करने लगा, और उस दिन से शाऊल ने उसे अपने पास रखा और पिता के घर को फिर लौटने न दिया। तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी, क्योंकि वह उसको अपने प्राण से बराबर प्यार करता था। और योनातान ने अपना बागा जो वह स्वयं पहने था उतारकर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया, वरन अपनी तलवार और धनुष और कटिबंध भी उसको दे दिया। और जहां कहीं शाऊल दाऊद को भेजता था वहां वह जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था, और शाऊल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया, और समस्त प्रजा के लोग और शाऊल के कर्मचारी उससे प्रसन्न थे। जब दाऊद उस पलिश्ती को मारकर लौट आता था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इसराइली नगरों से स्त्रियों ने निकलकर डफ और तिकोने बाजी लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली, और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई कि शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और वह बात उसको बुरी लगी, और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। तब उस दिन से भविष्य में शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा, और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रतिदिन की नाई अपने हाथ से बजा रहा था, और शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को बेधकर भीत में धस जाए, भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से दो बार हट गया। और शाऊल दाऊद से डरा करता था, क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया था। शाऊल ने उसको अपने पास से अलग करके सहस्त्रपति किया, और वह प्रजा के सामने आया जाया करता था, और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था, और यहोवा उसके साथ साथ था। और जब शाऊल ने देखा कि वह बहुत बुद्धिमान है तब वह उससे डर गया, परंतु इसराइल और यहूदा के समस्त लोग दाऊद से प्रेम रखते थे, क्योंकि वह उनके देखते आया जाया करता था। और शाऊल ने यह सोचकर कि मेरा हाथ नहीं वरन पलिश्तियों ही का हाथ दाऊद पर पड़े, उसने कहा, सुन, मैं अपनी बड़ी बेटी मेरब को तुझे ब्याह दूंगा, इतना कर कि तू मेरे लिए वीरता के साथ यहोवा की ओर से युद्ध कर। दाऊद ने शाऊल से कहा, मैं क्या हूं और मेरा जीवन क्या है, और इसराइल में मेरे पिता का कुल क्या है कि मैं राजा का दामाद हो जाऊं। जब समय आ गया कि शाऊल की बेटी मेरब दाऊद से ब्याही जाए, तब वह महोलाई अद्रियल से ब्याही गई, और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से प्रीति रखने लगी। और जब इस बात का समाचार शाऊल को मिला तब वह प्रसन्न हुआ। शाऊल तो सोचता था कि वह उसके लिए फंदा हो और पलिश्तियों का हाथ उस पर पड़े। और शाऊल ने दाऊद से कहा, अब की बार तो तू अवश्य ही मेरा दामाद हो जाएगा। फिर शाऊल ने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी कि दाऊद से छिपकर ऐसी बातें करो कि सुन, राजा तुझसे प्रसन्न है और उसके सब कर्मचारी भी तुझसे प्रेम रखते हैं, इसलिए अब तू राजा का दामाद हो। तब शाऊल के कर्मचारियों ने दाऊद से ऐसी ही बातें कही, परंतु दाऊद ने कहा, मैं तो निर्धन और तुच्छ मनुष्य हूं, फिर क्या तुम्हारी दृष्टि में राजा का दामाद होना छोटी बात है। जब शाऊल के कर्मचारियों ने उसे बताया
कि दाऊद ने ऐसी ऐसी बातें कही, तब शाऊल ने कहा, तुम दाऊद से यो कहो कि राजा कन्या का मोल तो कुछ नहीं चाहता, केवल पलिश्तियों की 100 खलड़िया चाहता है, वह अपने शत्रुओं से पलटा ले। शाऊल की मंशा यह थी कि पलिश्तियों से दाऊद को मरवा डाले। जब उसके कर्मचारियों ने दाऊद को ये बातें बताई, तब वह राजा का दामाद होने को प्रसन्न हुआ। जब ब्याह के दिन कुछ रह गए, तब दाऊद अपने जनों को संग लेकर चला और पलिश्तियों के 200 पुरुषों को मारा। तब दाऊद उनकी खलड़ियों को ले आया और वे राजा को गिन गिन कर दी गई, इसलिए कि वह राजा का दामाद हो जाए। और शाऊल ने अपनी बेटी मीकल को उसे ब्याह दिया। जब शाऊल ने देखा और निश्चय किया कि यहोवा दाऊद के साथ है और मेरी बेटी मीकल उससे प्रेम रखती है, तब शाऊल दाऊद से और भी डर गया और शाऊल सदा के लिए दाऊद का बैरी बन गया। फिर पलिश्तियों के प्रधान निकल आए और जब जब वे निकल आए, तब तब दाऊद ने शाऊल के और सब कर्मचारियों से अधिक बुद्धिमानी दिखाई, इससे उसका नाम बहुत बड़ा हो गया।